फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल सरोजा है और आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। वो वीडियो जो है वो डिक्लेरेशन एंड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में, कि डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करेंगे और पेमेंट कैसे करेंगे डिविडेंड, उसके रिस्पेक्ट में कुछ प्रोविजंस दिए गए और वो प्रोविजन कंटेन करता है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। उस प्रोविजन के अंदर जो भी रिविजन चैप्टर, मतलब आप एक तरीके का रिविजन चैप्टर होगा या फिर किसी भी बंदे को जो समझना है इस चैप्टर से समझ सकता है, मैं ओवरऑल पढ़ूंगा। और ओवरऑल इन द सेंस की इट्स लाइक अ रिविजन लेक्चर, यू कैन से दैट। ऑल्सो इस लेक्चर के अंदर हम ये भी देखेंगे कि डिविडेंड क्या होता है, कंपनी डिविडेंड क्यों पे करती है, कैसे डिविडेंड पे होता है, उसके अंदर क्या प्रोविजंस है, क्या लीगल प्रोविजंस है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर। सो कंपनी एक्ट 2013 जो रहती है डिविडेंड के बारे में हमको बताती है कि डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिक्लेयर करने के बाद उसकी पेमेंट कैसे होती है, उस रिस्पेक्ट में क्या पेनल्टी है, क्या पनिशमेंट है अगर वो डिविडेंड पे नहीं किया टाइम से, या फिर टाइम से पे करने के बाद उस बंदे को पे नहीं किया, जो बंदा रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है उनको पे नहीं किया। सो ये कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है, जस्ट लाइक दैट एक नॉर्मल पर्सन जब भी कोई इनकम अर्न करता है तो वो इन्वेस्ट करता है, जस्ट लाइक हम जैसे फिक्स डिपॉजिट में बैंक में जाके कुछ मनी डिपॉजिट कर देते हैं, डिपॉजिट करने का जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो सब अवर इनकम बन जाती है हमारी। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक नॉर्मल इंसान जो भी है वो जाता है कंपनी में, और कंपनी में जाके अपने जो भी इनकम वो अर्न करता है, वो इनकम जो अर्न करता है उससे वो परचेस करता है शेयर्स, और जब भी वो कोई शेयर्स परचेस करता है तो उसके रिस्पेक्ट में उसको पे करना पड़ता है सर्टेन अमाउंट। आफ्टर दैट कंपनी कुछ उस अमाउंट को इन्वेस्ट करती कहीं और अपने बिजनेस के अंदर, और वहां से वो इनकम अर्न होती है। जैसे कोई इनकम अर्न होती है वो बिजनेस से कंपनी के, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इतना पर्टिकुलर रेट जो है वो रिकमेंड करते हैं कि इतना पर्टिकुलर रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। अब मेंबर्स क्या करते हैं, जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स जो रहते हैं वो मिलजुलकर एक जो रेट डिसाइड किया, रिकमेंडेशन जो किया गया रेट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जो डायरेक्टर्स ने जो रिकमेंडेशन किया रेट का, उस रेट को एग्री करते हैं कि हाँ ये रेट पे वो डिविडेंड डिक्लेयर होगा, या फिर उससे कम रेट से भी कर सकते हैं जब उनको ऐसा लग रहा है कि कंपनी जो इज नॉट ऑन द वेल डन, प्रॉफिट वो अच्छा कमा नहीं रहे, या फिर कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं है तो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है, तो आप वो निगलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर वो रेट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। बट इन द केस शेयर होल्डर्स अगर चाहता है कि उनको हायर रेट मिलना चाहिए डिविडेंड का, और वो ये सोचते हैं कि हम आर्टिकल्स को रिजोल्यूशन पास करके उसको चेंज कर दें, प्लस या फिर कुछ ऐसा पावर डाल दे उसके अंदर आर्टिकल्स के अंदर जिसके अंदर शेयर होल्डर्स को सारे राइट्स मिल जाए कि वो जो रिकमेंडेशन रेट है उसको इंक्रीज कर सके, तो लीगल लॉ यही बोलता है कंपनी 2013 का कि भैया ये सब कुछ कर नहीं सकता है। पहली बात तो शेयर होल्डर्स अगर करता है तो जितने भी एक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, दैट मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है प्रोसेस वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो इलीगल हो जाएंगी, वो टेक इनटू अकाउंट नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ऐसा मान जाएगा कि वो हुआ ही नहीं कभी, ठीक है। नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज दैट, कि ये इसका मतलब ये जो इन शॉर्ट कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज गोइंग टू रिकमेंड द डेट ऑफ डिविडेंड एंड द शेयर होल्डर्स गोइंग टू बी अप्रूव द रेट को अप्रूव कर देंगे वाला, ठीक है, वही रेट को अप्रूव करेंगे या फिर उससे कम रेट पे, या फिर वो निगलेक्ट भी कर सकते हैं रेट ऑफ डिविडेंड, बोलेंगे कि हमको डिविडेंड नहीं चाहिए, पर लेकिन वो इंक्रीज नहीं कर सकते। सेकंड उसके बाद ये होता है कि जैसे ही ये रेट अप्रूव कर दिया मैं शेयर होल्डर्स ने तो उसको हम फाइनल डिविडेंड बोलते हैं, पर लेकिन जब ये रेट रिकमेंडेशन देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको हम परपोज डिविडेंड बोलते हैं, और उसको अप्रूवल मिलने के बाद फाइनल डिविडेंड, ये दो डिविडेंड हो गए, परपोज डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। और आता है एक और डिविडेंड होता है इंटरिम डिविडेंड, जो दो एजीएम के बीच में जो भी डिविडेंड हम डिक्लेयर करते हैं पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको हम बोलते हैं कि इंटरिम डिविडेंड, and it will going to be paid between the end of the closing of the financial statements, financial year ki closing se leke till the date of the AGM ki date ke beech mein kabhi bhi pay kar sakte hain। so it's all about dividend ke bare mein dekh liya, apne basic introduction dekh liya ki kya hota hai dividend aur kaisa hota hai ye pura procedure kaise hoti hai। now going towards the legal provisions ki hum dividend jab declare karte hain to hum कहाँ से डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, किसको पे करेंगे, कहाँ पर पे करना है, किसको पे करना है, कितने अमाउंट में पे करना है, कहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, कहाँ पर पे करना है, किसमें से पे कर सकते हैं, सोर्सेस मतलब बोल सकते हैं। सो इन दैट केस हम पढ़ेंगे कंपनी एक्ट 2013, उसके अंदर चैप्टर नंबर 8 दिया गया, वो चैप्टर नंबर 8 डील्स करता है डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड के अंदर। उसके अंदर सेक्शन नंबर 123 से लेकर 127 तक डिविडेंड के बारे में पूरा दिया हुआ है। सो 123 इज टॉक्स अबाउट व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उसके अंदर कुछ सर्टेन पॉइंट्स दिए गए, उस सारे पॉइंट्स को वन बाय वन अपन रीड करेंगे, और उसके बारे में जो भी चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। पहले तो आता है कि सोर्स ऑफ डिविडेंड कौन सा, सोर्स ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब आप कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि कंपनी को डिविडेंड पे करना है, पर लेकिन कहां से वो पे करेगा डिविडेंड, ये भी तो एक है ना कि डिविडेंड कंपनी को पे करना है, पर लेकिन कंपनी का उसको सोर्स होना चाहिए वो डिविडेंड पे करने का। तो लीगल प्रोविजन यही बोलता है कि अगर आपको डिविडेंड पे करना है तो आप तो करंट ईयर के प्रॉफिट से करो, पर करंट ईयर के प्रॉफिट्स में आप प्रोवाइडिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, यानी कि डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं डिविडेंड पे कर सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन प्रोवाइड नहीं करते तो आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते, सिंपल सा केस हो गया। सेकंड ऑफ ऑल केस कि जो भी पास्ट ईयर का प्रॉफिट जिसको आपने एक्युमुलेट किया, आपने रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया उस प्रॉफिट को, आपने उस प्रॉफिट को क्या किया एक्युमुलेट कर दिया, कब किया आपने एक्युमुलेट कर दिया पास्ट ईयर के प्रॉफिट को, आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑफ डिप्रेशन प्रोवाइड करने के बाद आपने क्या किया पास्ट ईयर के प्रॉफिट को आपने एक्युमुलेट कर दिया, तो उस प्रॉफिट में से आप क्या कर सकते हैं आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अमाउंट गारंटी करती है रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिविडेंड के रिस्पेक्ट में, तो उस अमाउंट में से आप पे कर सकते हो। सेकंड है कि प्रोविजन ऑफ डिप्रेशन प्रोवाइड करना है हमको जरूरी है, यस,
आपको कंपनीज एक्ट यही बोलता है कि एसपोस रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको डिप्रेशन प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। अगर आप डिप्रेशन प्रोवाइड नहीं करते तो आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। अगर आपने डिप्रेशन प्रोवाइड कर लिया है तो आप डिविडेंड पे कर सकते हो। और थर्ड केस है कि कंपनी चाहे तो ट्रांसफर कर सकती है अपने प्रॉफिट का कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर टू फ्रीजर्स। तो कंपनी के पास पावर दिया है, मैंडेटरी नहीं है, सब रिकमेंडेशन रिकमेंडेटरी नेचर का है, यानी कि कंपनी चाहे तो ट्रांसफर कर सकते हो, कंपनी को लगता है कि नहीं करना है तो नहीं भी करेंगे, चल जाएगा। जैसे डिप्रिसिएशन में मैंडेटरी बोला गया था, इसके अंदर मैंडेटरी का प्रोविजन नहीं दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि भैया देखो, अगर आपको लगता है तो करो वरना मत करो। कहाँ पर करना है? सर्टेन पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, पार्ट प्रॉफिट का कुछ सर्टेन परसेंटेज हम फ्रीडेजर्स में ट्रांसफर कर सकती कंपनी। इट्स अपॉन द कंपनी की कंपनी को ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है। नॉ सेकंड ऑफ केस जो रहेगा वो क्या रहेगा, उसके स्पेक्ट में आएगा हमारे पास कंप्लायंस विद प्रोविजन 73 एंड 174 के साथ कंप्लायंस होना चाहिए। अब सेक्शन 73 और 74 क्या बोलता है? सिंपल सी बात है कि कोई भी जब आप पब्लिक डिपॉजिट अभी कोई भी लोन एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसके स्पेक्ट में जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है आपने उसके अंदर डिफॉल्ट किया, तो उसके स्पेक्ट में आपको अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया या फिर आपने कोई रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया तो उसके स्पेक्ट में जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा तो आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। जिस वक्त आपने उस डिफॉल्ट को आपने कंप्लीटली क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया डिफॉल्ट को, आपने क्या कर दिया डिफॉल्ट को नलीफाई कर दिया, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, आप डिविडेंड पे कर सकते हो। नाउ गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट्स कि आप कोई भी डिविडेंड आप पे नहीं कर सकते हो। उसमें से रिजर्व्स में से आप कोई भी डिविडेंड पे नहीं कर सकते अदर देन फ्री रिजर्व्स। मैंने क्या बोला, हम डिविडेंड कहीं से भी रिजर्व्स में से हम पे नहीं कर सकते अदर देन फ्री रिजर्व्स, मतलब फ्री रिजर्व्स में से डिविडेंड पे कर सकता हूं। पर इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, वो हम देखेंगे। रूल नंबर 3 ऑफ द कंपनीज अकाउंट डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स ऑफ 2014 के रिस्पेक्ट में, तो उसके अंदर रूल देखेंगे रूल नंबर 3 क्या बोलता है। बाद में देखेंगे हम कि आप कोई भी डिविडेंड पे नहीं कर सकते रिजर्व्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल, पर लेकिन फ्री रिजर्व्स में से पे कर सकते, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। सिमिलर केस हम यही बोल सकते हैं कि आपको कि अगर कंपनी के पास कोई प्रॉफिट नहीं है या फिर इनएडुकेट प्रॉफिट है, कंपनी के पास कोई प्रॉफिट ही नहीं या फिर इनएडुकेट प्रॉफिट है, इन दैट केस कंपनी रूल नंबर 3 लगाती है। वो इस केस हो गया कि डिविडेंड हम कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, रिजर्व्स में से पे नहीं कर सकते लेकिन फ्री रिजर्व्स में से पे कर सकते हैं, कंपनी ये बोलती है। ठीक है, तो ये दो प्रोविजन हम सेक्शन नंबर रूल नंबर 3 का जो है हम थोड़ा बात देखेंगे कि रूल नंबर 3 क्या बोलता है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है उसकी वो देखेंगे। आगे मूव ऑन करते हैं कि हमको ये जो डिविडेंड है जो आप डिक्लेयर कर रहे हो वो किसको पे करोगे। सिंपल सी बात है, हम किसको पे करेंगे, एक जो शेयर होल्डर्स है जिनके पास शेयर है वही करेंगे, पर लेकिन जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स है उनको पे करेंगे, जिनका नाम रजिस्टर्ड मेंबर्स में फिक्स है तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को पे करेंगे, या फिर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स के बैंकर्स को पे करेंगे, या फिर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स ने ऑर्डर दिया होगा कि किसी और बंदे को पे करना तो उनको पे कर देंगे। सिंपल सी बात होगी, 3 बंदों को पे करेंगे, दैट मीन रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को पे करेंगे, अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स नहीं है तो उसके बैंकर को पे करेंगे, बैंकर को दे दिया होगा नॉमिनी बना दिया होगा, ओके, या फिर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स ने किसी दूसरे बंदे का इसमें ऑर्डर दिया होगा उसने कि दूसरे बंदे को पे करो तो उन बंदे को पे कर देंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स की कोई पेमेंट आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते अदर देन कैश, यानी कि आप कोई भी डिविडेंड पे नहीं कर सकते अदर देन कैश, मतलब आप कैश में ही पे कर सकते। अब कैश के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ऐसा नहीं कि मैं कैश जो बोल रहा हूं मैं कैश मतलब इन द सेंस में कैश ही पे करूं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी इज अलाउएबल और डिविडेंड वारंट भी इज अलाउएबल। डिविडेंड वारंट में इसलिए बोल रहा हूं कि डिविडेंड वारंट पहले कंपनी एक्ट 1946 में होता था, अभी कंपनी एक्ट 2020 कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ पहले प्रोविजन के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं कोई रिक्वायरमेंट हो उसको फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट्स अभी भी होंगी तो वो कर रहा हूँ, तो उसके रिस्पेक्ट में डिविडेंड वारंट हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक ई पे हो गया या फिर ईसीएस हो गया या फिर कोई भी ऐसे एनईएफटी आरटीजीएस हो गया, तो उसके रिस्पेक्ट में भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, उसके अलावा कैपिटलाइजेशन करना प्रॉफिट का कब पॉसिबल था, दो केस में हम प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं, कब, एक बोनस कॉल जब हम करते हैं फिर बोनस शेयर्स कर रहे हैं उस रिस्पेक्ट में हम दो में कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास कि जो डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया, डिविडेंड जो आपने डिक्लेयर किया उस डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद उसके करीबन 5 दिन के अंदर अंदर नॉर्मली केस वाले जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 5 दिन के अंदर एक सेपरेट सेपरेट बैंक के अकाउंट के अंदर हमको ये जितना भी डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया उसको हमको डिपॉजिट करना पड़ता है विद इन द 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, यानी कि जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उस दिन से 5 दिन के अंदर ये जितना भी अमाउंट आपने डिक्लेयर किया है एज अ डिविडेंड के फॉर्म में उसको हमको डिपॉजिट करना पड़ेगा सेपरेट सेपरेट बैंक के अकाउंट के अंदर। इट्स लाइक द केस ऑफ दैट, सो इट्स ऑल अबाउट कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 123 क्या बोलता है, ये हमने पढ़ा भी। अब इसके अंदर जो मैं बोल रहा था रूल नंबर 3 ऑफ कंपनीज डिक्लेरेशन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स ऑफ 2014 के एक्सपेक्ट में, जिसके अंदर 4 कंडीशंस दी गई थी कि आप कोई भी डिविडेंड अगर फ्री रिजर्व से पे करते हो, अगर आप कोई भी डिविडेंड फ्री रिजर्व से पे करते हो उसकी 4 कंडीशंस और 4 कंडीशन को आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तो अगर वो 4 कंडीशन आपने फुलफिल कर लिया तो इन दैट केस आप क्या होगा, उस केस के अंदर आप जो होंगे वो इलिजिबल, इन द सेंस आई यू कैन से दैट कि आप इलिजिबल हो जाओगे कि आप फ्री रिजर्व से डिविडेंड पे कर सकते हो, अदरवाइज आप फ्री रिजर्व से डिविडेंड पे नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, तो व्हाट आर द 4 कंडीशंस आते हैं। फर्स्ट कंडीशन कि जो भी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो जो उसका रेट है शुड नॉट बी एक्सीड, ओके, शुड नॉट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड जो आपने डिक्लेयर किया होगा इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में। तो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में जितना भी डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया उसका एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे और जितना भी डिविडेंड का रेट आएगा उससे वो एक्सीड नहीं होना चाहिए जो आज आप रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, शुड नॉट बी एक्सीड, ओके, शुड नॉट बी यू कैन से दैट इज ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी रेट ऑफ डिविडेंड रहेगा वो इज ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड
दैट डिक्लेयर ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट 3-5 ईयर, यानी कि प्रेसिडेंट 3-5 ईयर में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो भी डिक्लेयर किया उससे वो एक्सीड नहीं होना चाहिए या फिर इक्वल रहा तो भी चलेगा। एक्सीड नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन उसी के अंदर एक फर्स्ट कंडीशन के फर्स्ट एक कंडीशन बोलता कि एक्सीड नहीं होना चाहिए एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड जो भी डिक्लेयर किया प्रेसिडेंट 3-5 ईयर में और उससे इक्वल भी रहा तो भी चल जाएगा। सेकंड केस बोलता, सेकंड केस ये बोलता कि जो भी आपने अमाउंट ड्रॉ किया फ्री रिजर्व में से, ठीक है, जो भी अमाउंट आप ड्रॉ करेंगे फ्री रिजर्व में शुड नॉट शुड ऑलवेज बी शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी कि जो भी अमाउंट ऑफ फ्री रिजर्व से विद्रॉ कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो फॉर अमाउंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, मीन्स इट्स ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू, वो हमेशा कम होना चाहिए या फिर इक्वल अमाउंट होना चाहिए ऑफ व्हाट, इक्वल टू 10% ऑफ द सम ऑफ व्हाट, सम करेंगे हम पेड ऑफ शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सब पेड ऑफ शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का इनका सम अप करेंगे, फिर उसका 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए फिर इक्वल भी होगा तो भी चल जाएगा। फिर आता लास्ट थर्ड कंडीशन हमारी बोलती है कि जो भी अमाउंट ऑफ ड्रॉन करने वाले हो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको करेंट है कि जो भी लॉसेस है उसके अंदर पहले सेट ऑफ करो और फिर उसके बाद जो बचेगा उसको अमाउंट ऑफ डिविडेंड के लिए पे कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट कि जो भी आप रिजर्व में से विड्रॉ कर लिया फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए तो जो भी बैलेंस बचता है रिजर्व के अंदर वो भी जो भी बैलेंस बचेगा रिजर्व के अंदर शुड नॉट बी लेस देन द 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, ओके, शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 15% पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि जितना भी पेड अप शेयर कैपिटल उसका 15% से कम नहीं होना चाहिए या फिर इक्वल रहा तो भी चल जाएगा। ओके, तो इस अप टू दैट लेवल होता है उसे गिनना नहीं चाहिए उसके अंदर, ये बोल सकता हूं, यस बस ओके। सो द अमाउंट इन बैलेंस इन रिजर्व शुड ऑलवेज बी मोर देन इक्वल टू 15% पेड ऑफ शेयर कैपिटल का, हमेशा 15% पेड ऑफ शेयर कैपिटल से ज्यादा ही होना चाहिए उसके अंदर, ये बोला है प्रोविजन के अंदर, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन नंबर 124 को क्या बोलता है उसके रिस्पेक्ट में हम ये बात करेंगे। 124 जो था वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में बोलता है। जैसे मैंने आपको बोला था ऊपर की डेट ऑफ डिक्लेरेशन जो आया था हमारे पास, हमने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था जिस डेट को उस डेट से 5 दिन के अंदर अपने सेंट्रल बैंक अकाउंट के अंदर अपने वो अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। सो व्हाट इन द केस इज दैट कि जो अपन हमें डेट ऑफ डिक्लेरेशन जो था डेट जिस डेट को हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया उससे 30 दिन के अंदर कोई भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड अगर हम पे नहीं करते अनपेड रह जाता है या फिर वो अनक्लेम रह जाता है तो इन दैट केस क्या होता है कि वो जो 30 दिन खत्म होने के बाद उस अमाउंट को जो सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर अपने डिपॉजिट किया था अमाउंट उसको हमको क्या करना पड़ता है ट्रांसफर करना पड़ता है एक सेपरेट शेड्यूल बैंक के स्पेशल अकाउंट के अंदर, उसका नाम होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी का, ठीक है, उसके अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है उस अमाउंट को विद इन द 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द 30 डेज की, 30 दिन की एक्सपायरी के 7 दिन के अंदर अपन को ट्रांसफर करना पड़ता है वो अमाउंट उसके अंदर, ठीक है। अब इस 7 दिन ये जो 7 दिन बोल रहा है कहां से 30 दिन की एक्सपायरी है, 30 दिन कहां से फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन से, ठीक है, हो सके। अब आता है कि 7 दिन से अगर लेट हो गया डिले कर दिया हमने फंड को ट्रांसफर करने में तो व्हाट गोइंग टू बी हैपन, सिंपल सी बात है अगर कोई डिले हुआ तो उसके ऊपर कोई ना कोई कुछ ना कुछ पेनल्टी लेट फी लगती है या फिर कोई इंटरेस्ट लगेगा तो इसमें भी एक इंटरेस्ट लगता है वो 12% पर एनम के हिसाब से एक इंटरेस्ट लगता है हमको, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी 12% पर एनम के हिसाब से हमको इंटरेस्ट लगेगा, बिल्कुल सही, और बिल्कुल जितना भी अमाउंट अनपेड रहा उसके ऊपर लगेगा 12% पर एनम के हिसाब से, ठीक है, ओके। और इफ एनी पर्सन इज एलिजिबल, अगर वो पर्सन एलिजिबल है वो सम को रिश्यू करने के लिए, ओके, वो लाइफ एंटाइटल है कि वो सम रिश्यू कर सकता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एंटाइटल जो है वो क्लेम कर सकता है कंपनी से, बिल्कुल बिंदास क्लेम कर सकता है, कंपनी के पास जाएगा वो एंटाइटलमेंट और क्लेम कर सकता है, ये एक केस हो गया। सेकेंड ऑफ ऑल कि ऐसा भी हो सकता है कभी कभी शेयर होल्डर्स क्लेम नहीं कर पाते तो इन दैट केस 7 साल होगा, 7 साल में वो डिविडेंड जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो भी अमाउंट पड़ा हुआ था वो अनक्लेम रहा या फिर अनपेड रहा, ठीक है, 7 साल तक, तो फिर 7 साल तक अगर अनपेड अनक्लेम रहा हो किसी शेयर होल्डर्स ने एंटल था उसने क्लेम नहीं किया तो इन डेट केस ये क्या करेंगे कंपनी, कंपनी क्या करेंगे जितना भी फंड में अमाउंट है अनपेड अकाउंट किस में जितना भी अमाउंट है वो फंड में ट्रांसफर करेंगे, फंड मतलब इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर उसको ट्रांसफर कर देंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी सेटअप किया उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। अब क्या होगा कि साथ ही साथ वो जो क्या करेंगे ये जो सम तो ट्रांसफर करेंगे साथ ही साथ वो शेयर जो थे उस शेयर होल्डर्स के, ठीक है, तो वो शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स थे वो भी क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे और इसके रिस्पेक्ट में अथॉरिटी एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव देंगी और एक्नॉलेजमेंट रिसीव जो रहेंगी वो एक इविडेंस रहेंगी कंपनी के लिए कि उसने कंपनी ने क्या किया वो अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया विद शेयर के साथ। इसी के साथ साथ कंपनी क्या करेंगी विद इन द 30 डेज में डेट ऑफ ट्रांसफर के 7 दिन के सॉरी 30 दिन के अंदर सॉरी 90 दिन या 30 दिन के अंदर अंदर यस विद 90 डेज के अंदर यस 90 डेज के अंदर एक्चुअली देखा जाए तो 90 डेज के अंदर ही बोला गया 90 डेज के अंदर क्या करेंगी कंपनी उसको स्टेटमेंट देंगी किसको वो अथॉरिटी को एक स्टेटमेंट देंगे कि कौन से मेंबर्स एंटाइटलमेंट है कितने नंबर ऑफ शेयर्स है कितने अमाउंट के लिए वो एंटाइटलमेंट है ये उसका स्टेटमेंट बना करेंगे वो वेबसाइट में पोस्ट कर देंगे उसको 90 दिन के अंदर अंदर ठीक है या फिर अथॉरिटी को दे देंगे या फिर अपनी वेबसाइट में डाल देंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटी स्पेसिफाई करेंगे उस अथॉरिटी के उस वेबसाइट के ऊपर डिस्क्लोज कर देंगे उसको। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट ये सारी चीजें हो गई कंपनी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज मीन बाय द इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट क्या होता है इसके अंदर सेक्शन नंबर 125 के बारे में बात करता है। ओके, तो सेक्शन नंबर 125 क्या बोलता है वो देखता हूँ। सेक्शन नंबर 125 बोलता हमको
कि कोई भी अमाउंट, बहुत सारे ऐसा अमाउंट रहते हैं जो रिमेंस अनपेड रहता है 125 के अंदर. ऐसा बोलता है कि जो भी अमाउंट रिमेन अनपेड था इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर, अनक्लेम या फिर अनपेड था इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर, या फिर कोई भी डिवेंचर या फिर कोई भी डिपॉजिट मैच्योर हो गई फिर रिमेंस था अनपेड फॉर अ पीरियड ऑफ फॉर से ऑफ 7 ईयर्स एंड सर एप्लीकेशन ड्यू फॉर रिफंड रिमेंस अनपेड फॉर सेवन पीरियड ऑफ 7 ईयर्स के लिए. ओके नाउ देयर इज ऑलवेज इसके ऊपर जो फंड की इन्वेस्टमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है या फिर कोई भी इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हुई है सर एप्लीकेशन ड्यू फॉर रिफंड बचा हुआ है या फिर और भी चीजें हो सकती है कोई दूसरी चीजें या फिर कोई भी पुराना प्रीवियस एक्ट के अंदर जो हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फंड था या फिर गवर्नमेंट के रेवेन्यू अकाउंट का जो था वो सारी चीज हो गई. अब इसको काफी यूटिलाइज करेंगे इस सारे अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे अगर वो रिमेंस अनपेड रहा फॉर सेवन कंटिन्यूस पीरियड फॉर कंटिन्यूस कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 7 ईयर्स यानी कि 7 साल तक कंटिन्यूस अनक्लेम रहना चाहिए. तो इन दैट केस इस अमाउंट को क्या करेंगे हम ट्रांसफर करेंगे टू इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोडक्शन सॉरी हाँ कर देंगे इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोडक्शन फंड अकाउंट के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे फंड अकाउंट हम उसको भी फंड बोलेंगे. ठीक है फंड में उसको ट्रांसफर करेंगे. अब इस फंड का यूटिलाइजेशन कहां पर कर सकते हैं इस फंड का यूटिलाइजेशन करेंगे जो भी अनपेड डिविडेंड है उसके रिस्पेक्ट में उसको पे करने में करेंगे. सेकंड ऑफ ऑल जो भी मैच्योर डिपॉजिट है फिर डिवेंचर से रिमेंस अनपेड उसके ऊपर का इंटरेस्ट जो रहेगा रिमेंस जो अनपेड था और जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट होगा शेयर एप्लीकेशन ड्यू फॉर रिफंड इन्वेस्टर्स की एजुकेशन इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन उसकी अवेयरनेस प्रोग्राम में हम इसका यूटिलाइज करेंगे. ओके तो ये सारी चीजें में यूटिलाइजेशन उसका होगा प्लस जो भी पर्सन एंटाइटलमेंट है फॉर द सम की फॉर द अमाउंट ऑफ सम दैट गोइंग टू बी एंटाइटल जिस जितने भी अमाउंट का वो एंटाइटल है कोई भी पर्सन ठीक है और वो एंटाइटलमेंट है उस शेयर्स का जिसका शेयर ट्रांसफर हो चुका था अथॉरिटी के रिस्पेक्ट में तो वो क्या कर सकता है ये क्लेम कर सकता है वो अथॉरिटी के पास जा सकता है बोल सकता है कि मेरा ये जो सम है वो एंटाइटलमेंट हूं मैं इसके लिए प्लस मेरे शेयर्स भी एंटाइटलमेंट जो है मेरे खुद के शेयर्स में एंटाइटल उसके लिए तो ये क्लेम कर सकता है वहां पर. ठीक है तो क्लेम करके उसको सारी चीजें उसको रिवर्ट बैक मिल जाएंगी. तो इस लाइक द केस ऑफ द सेक्शन नंबर 125 का केस था. अब आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 126 का केस जिसके अंदर बोलते हैं डिविडेंड हैव टू बी गिवन एबसेंस. ओके तो क्या होता है पर्टिकुलर केस की ट्रांसफर ने क्या किया ट्रांसफरी को वो ट्रांसफर कर दिया शेयर्स और ट्रांसफर डेट कंपनी के पास चल रहा है पेंडिंग और उसकी उसी वक्त एक रिकॉर्ड डेट आ गई जिस वक्त का हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया. तो इस केस में अब आता है कि ट्रांसफर ने अगर बोल दिया कि ट्रांसफरी को दे तो ट्रांसफरी को दे देंगे अदरवाइज क्या करेंगे उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ही रहने देंगे उसको. ठीक है लेकिन अगर यही रिकॉर्ड डेट राइट इशू अभी बोनस इशू करा तो उसको केबिन एबिसेंस रखेंगे बिकॉज ट्रांसफर डेट अभी पेंडिंग चल रही है और ट्रांसफर डेट पेंडिंग चल रही है इस वजह से उसको केबिन एबिसेंस रख दिया जाएगा यानी कि होल्ड में रख जाएगा जब तक वो ट्रांसफर डेट उसका रजिस्टर नहीं होती है. सो सेक्शन नंबर 127 के साथ डील्स करेंगे. सेक्शन नंबर 127 हमको बोलता है कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन जो हमने डेट था जिस डेट को हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया था उस डेट के डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से 30 दिन के अंदर कोई हमने डिविडेंड पे नहीं किया तो उस केस में हमको लायबल रहेगा. तो सिंपल सा बात है कि हमने डेट ऑफ डिक्लेरेशन 30 दिन के अंदर पे नहीं किया डिविडेंड तो वी आर लायबल फॉर द पेमेंट पनिशमेंट. तो पनिशमेंट ऐसी रहेंगी कंपनी के लिए पनिशमेंट पहले देख रहे कंपनी को 18% पर एनएम के सबसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकंड ऑफ ऑल जो भी ऑफिसर डिफॉल्ट रहेगा फिर कोई भी डायरेक्टर रहेगा हुआ डिफॉल्ट जो भी डिफॉल्ट रहेगा जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल था वो डिफॉल्ट जो भी कर रहा है वो बंदा इज इन डिफॉल्ट वो लायबल रहेगा फॉर द इंप्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स की जेल हो जाएंगी उसको. ओके 2 साल की उसको इंप्रिजनमेंट होगी प्लस उसी के साथ साथ मैं बोल सकता हूँ 1,000 रुपीज पर डे के हिसाब से उसको डिफॉल्ट होगा जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू है जब तक उसको 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से उसको डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा. ठीक है नाउ उसके अंदर 5 ऐसे केसेस दिए जहाँ उस 5 केसेस के अंदर 5 केसेस के अंदर ऐसा 5 केसेस देयर 5 केसेस जिसके अंदर हम बोलेंगे कि कंपनी और ऑफिसर डिफॉल्ट जो ऑफिसर जो है जो भी रिस्पॉन्सिबल था ऑफिसर्स वो डिफॉल्ट नहीं किया उस बंदे ने. तो 5 केस में से फर्स्ट केस यही बोलता है कि डिविडेंड पे नहीं किया ड्यू टू ऑपरेशंस ऑफ एनी लॉ और ऑपरेशंस ऑफ एनी लॉ से डेथ हो गई या फिर कुछ एनी द केसेस हो गया या फिर हमने ट्रांसफर हो गया कुछ भी अलग हो गया तो इन दैट केस इसके अंदर डिविडेंड पे नहीं किया तो चल जाएगा. ठीक है सेकंड केस ये होता है कि शेयरहोल्डर्स ने डायरेक्शन दिया था फॉर द रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिस्पेक्ट में पर लेकिन कंपनी ने वो डायरेक्शन फुलफिल नहीं कर पाया और ये सच डायरेक्शन उसने फुलफिल नहीं किया कंपनी ने ये कम्युनिकेट कर दिया उसने शेयरहोल्डर्स को पर इन दैट केस शेयरहोल्डर्स को कम्युनिकेट करने के बाद भी डिविडेंड अनक्लेम रहा और अनपेड रहा तो इन दैट केस कंपनी आर नॉट लायबल फॉर द डिफॉल्ट के लिए कंपनी लायबल नहीं रहेंगी. थर्ड केस ये है कि कोई भी अमाउंट ड्यू था आउटस्टैंडिंग यानी कि कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यू था जो बंदे से लेना था हमको शेयर होल्डर से वो अमाउंट लेना था और अपन ने क्या किया जो डिविडेंड डिक्लेयर किया उसको हमें लॉफुली एडजस्टेड कर लिया जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग सम्स ड्यू था उसके रिस्पेक्ट से. ये 3 केस हो गए. चौथा केस ये बोलता है वेयर देयर इज अ जहाँ पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है राइट टू रिस्यू द डिविडेंड का जहाँ पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है कि यहाँ पर डिविडेंड रिस्यू करने की जो राइट टू रिस्यू डिविडेंड है उसके रिस्पेक्ट में क्या डिस्प्यूट होने वाला है तो डिस्प्यूट चल रहा है कि कौन राइट टू इशू कौन करेगा डिविडेंड इशू टाइम ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर देंगे केस हम उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेगी क्योंकि कंपनी के पास पता ही नहीं किसके वहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है किसको देना है किसको नहीं देना है ये कंपनी को नहीं पता. इन दैट केस उसको हमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर डाल देंगे इसके लिए कंपनी डिफॉल्ट नहीं देंगी और कोई भी ऐसा अनपेड अमाउंट या फिर अनक्लेम रहा कोई भी डिविडेंड का अमाउंट इन दैट केस जिसके अंदर कंपनी का कोई भी डिफॉल्ट नहीं था तो इन दैट केस कंपनी का जब कोई डिफॉल्ट नहीं था तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि हाँ कि कंपनी इज नॉट लायबल इज नॉट ड्यू टू एनी रीजन ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी
ये जो थे 5 केस जिसके अंदर कंपनी डिफॉल्ट नहीं हो, मतलब ये जो 5 केस थे जहाँ पर कंपनी डिफॉल्ट नहीं की गई, हम ये बोल सकते हैं जहाँ पर डिविडेंड नहीं पे किया तो भी हम उसको डिफॉल्टर्स नहीं माने जाएंगे, ठीक है। नाउ लास्ट में आता है इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड में सीधा बोलो तो ये एक सिंपल सा केस है कि फाइनल डिविडेंड के अंदर इंक्लूज करता है इंटरम डिविडेंड, जो फाइनल डिविडेंड के प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ दैट इंटरम डिविडेंड को भी वही सारी चीज लगती है। बस इसके अंदर एक है कि अगर क्वार्टर लास्ट क्वार्टर में कोई लॉस हो रहा होगा तो उस लॉस में अगर लास्ट क्वार्टर के रिस्पेक्ट में जिस क्वार्टर मतलब जिस पीरियड में आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं उसके प्रीवियस क्वार्टर में कोई लॉस हो रहा है तो इन दैट केस जो भी रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करोगे शुड नॉट बी एक्सीड्स द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड दैट डिक्लेयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। ओके, प्लस मैं ये भी बात करूंगा कि इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जो दिया था तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि लॉस हो गया है लास्ट क्वार्टर के एंड में और ये पीरियड जो हम कर रहे हैं, सपोज मैं बात करूंगा कि इन अगस्त में हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं उसके लास्ट क्वार्टर में मतलब अप्रैल में जून के क्वार्टर में कुछ लॉस हो गया था हमको, तो इसके वजह से जो भी रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे शुड नॉट बी एक्सीड शुड बी यू कैन ऑल्सो से दैट कि वो एक्सीड नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लस वो इक्वलाइज भी होगा तो वो भी चल जाएगा, शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। जो भी एवरेज रेट रहेगा ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में उस रेट से एक्सीड नहीं होना चाहिए वो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। सो इट्स ऑल अबाउट द डिविडेंड, दिस इज ऑल अबाउट द कंपनसेशन टू रेटिंग, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 8 हमने डील्स किया डिक्लेरेशन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कंपनीज रूल्स ऑफ कंपनी का जो है डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 214 के रिस्पेक्ट में हमने बात की, सेक्शन 123 से 127 के अंदर हमने बात किया कि क्या क्या होता है कैसे कैसे होता है ये, ठीक। ऑल अबाउट द डिविडेंड चैप्टर इट्स फ्रॉम माई साइड इट्स कंप्लीट। ओके, सो जो भी होंगे इसके अंदर जो भी आपको क्वेरी होंगी आप कमेंट बॉक्स में आप जस्ट यू हैव टू टाइप इट आउट क्या आपकी क्वेरी है उसके अंदर और आपको कौन सा चैप्टर में कोई डिफिकल्टी आ रही है या फिर कोई भी लॉ के कोई भी चैप्टर में कॉपी लॉ एंड लाइट लॉ के अंदर फॉर द पर्टिकुलर एनी पर्सन फ्रॉम द एनी फील्ड कोई भी डिफिकल्टी आ रही होंगे तो यू जस्ट डाउन जस्ट यू हैव टू रिटन डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू करेक्ट डाउन इट एंड प्रोवाइड योर नॉलेज बेस कंटेंट। सो फ्रॉम माई साइड इट्स ऑल अबाउट बी ऑलवेज हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा।